नमस्कार दोस्तों, हेल्पफुल चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज का टॉपिक है कि आपको रत्न, जी हाँ, कौन सा जेम स्टोन पहने और आपकी डेट ऑफ बर्थ में कौन से अंक ऐसे प्रेजेंट है जो हम आपको जन्म स्टोन के लिए बारे में उसको सूट करेंगे कि नहींगे। बहुत सारे लोग होते हैं अपनी कुंडली दिखा के पूछ लेते हैं और वो फिर उसका जेम स्टोन पहनते हैं, बट फ़ायदा नहीं होता। तो क्यों नहीं फ़ायदा होता है, जेम स्टोन क्यों नहीं फ़ायदा होता, उसका आप लोग सटीक आंसर सिर्फ न्यूमरोलॉजी से जान सकते हैं। थोड़ा यहाँ पे वैदिक कुंडली वाले सही बताते हैं, मैं उनको बुरा नहीं कहूँगा, मैं खुद वैदिक कुंडली करता हूँ, बट ये है कि वैदिक कुंडली में पर्टिकुलर जो डिविजनल चार्ट बनते हैं, 16 डिविजनल चार्ट, उनके आधार पर डिस्कस करके ही सही रत्न दिया जाता है। केवल लग्न, नौमांस, इन सब चीज़ों पर नहीं दिया जाता है, ना ही ग्रह के नक्षत्र के आधार पर भी दिया जाता है। उसमें भी आपको पर्टिकुलर किसी कार्य के लिए, किसी व्यक्ति की जो समस्या चल रही है लाइफ में, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल अदा करती है, उस समस्या का आपके क्षेत्र में किस प्लेनेट का उपयोग है, उसके आधार पर हमें जेम स्टोन डिसाइड करना चाहिए। तो आज की वीडियो में चलते हैं, टॉपिक है कि आपका जेमस्टोन कैसे सूट करे, राइट जेमस्टोन। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, चैनल के नीचे एक रेड बटन होगी उसको क्लिक कर दीजिए, उसके बगल में रिंग बेल होगी उसको प्रेस कर दीजिए ताकि नए वीडियो अपलोड होने पे नोटिफिकेशन के रूप में मिल जाए। समस्या हो मेल कर दीजिएगा nitin549@gmail.com पे, डिस्क्रिप्शन में मेल आईडी है। लोशो क्लासेस स्टार्ट है, वैदिक केपी लाल किताब, टैरो, पामेस्ट्री, वास्तु, मैच, कंपटीशन क्लासेस स्टार्ट है, नोट्स भी उपलब्ध हैं। अब चलते हैं टॉपिक की तरफ। दोस्तों यहाँ पर किस ग्रह का कौन सा रत्न पहने, ये डिपेंड करता है आपकी डेट ऑफ बर्थ में। अब डेट ऑफ बर्थ क्या है, 12 मार्च 1995 यहाँ पे मैंने एक डेट ऑफ बर्थ ली। इनका मूलांक और भाग्यांक क्रमशः 3 और भाग्यांक भी 3 है, ठीक है। इनका आप लोशो ग्रिड क्रिएट करिए, यहाँ पे लोशो ग्रिड क्रिएट किया तो यहाँ पे 3399511 2 आया और मिसिंग नंबर है 4876, ठीक। अब आप लोगों को डिसाइड कैसे करना है कि इसका लकी जेम स्टोन कौन सा होगा। बहुत सारे लोग कहते हैं मेरे लिए एक भाग लाइफ टाइम के लिए एक लकी जेम स्टोन सूट करेगा पूरे जीवन भर में, जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। उसका रीज़न मैं आपको भी बताता हूँ कि कैसे करना है। देखिए, इसके बाद आपने मूलांक और भाग्यांक निकाले, कुआ नंबर निकाले, चूँकि ये मेल पर्सन है तो इनका कुआ नंबर 5 है। फिर इनका सक्सेस नंबर निकालें, सक्सेस नंबर आपको क्या करना है, बर्थ डेट प्लस बर्थ मंथ को ऐड कर लीजिए, वो 6 आता है, ठीक है। तो हमारे पास जो नंबर मिल गए, मूलांक और भाग्यांक 3 है, कुआ नंबर 5 है, सक्सेस नंबर इनका 6 है, ठीक है। अब चार्ट की तरफ देखते हैं कि कौन सा प्लेनेट किस चीज़ को डिनोट करता है और किस क्षेत्र में आपको करता है। देखिए, लोशो ग्रिड में 1 नंबर आपको कैरियर के लिए डिनोट करता है, 2 नंबर आपका बिजनेस, पार्टनरशिप, शादी के लिए, इमोशन के लिए, 3 नंबर आपका लक के लिए, ग्रोथ के लिए, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए, फॉरेन ट्रेवल, फॉरेन में जॉब, 5 नंबर नौकरी, बिजनेस, शेयर मार्केट के लिए, 6 नंबर फाइनेंस, लव रिलेशन, आपका बैंक बैलेंस इंक्रीज करता है, 8 नंबर आपका सरकारी नौकरी, शनि आपके कर्म का फल, प्रॉपर्टी से लाभ, मशीनी प्रोडक्ट से आपको लाभ होगा कि नहीं, 9 नंबर आपका मार्स आपको हेल्थ, आपके हेल्थ को डिनोट करता है कि आपकी हेल्थ कैसे रहेगी और आपके सिबलिंग से आपका रिलेशन कैसे रहेगा। तो ये आपके 1 से लेकर 9 नंबर थे। अब आपको अपने लोशो चार्ट में देखना है कि आपके पास 3 है, 9 है, 5 है, 1 और 2 है, बाकी नंबर 4, 8, 7 और 6 नंबर मिसिंग है, ठीक है। तो आप लोग अपनी कुंडली में उठा के देखिए, और जिन्होंने जेम स्टोन पहना होगा तो आप लोग अपना डेट ऑफ बर्थ में लोशो ग्रिड बना के देखेंगे, आपने वही जेम स्टोन पहने होंगे जो आपके नंबर मिसिंग होंगे, ठीक है। क्योंकि और फिर आप कहेंगे कि मेरा जेम स्टोन फ़ायदा नहीं कर रहा, ठीक। पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट अब ये देखेंगे कि आपने वो भी जेम स्टोन पहने होंगे जो आपके लोशो ग्रिड में जो नंबर प्रेजेंट होंगे वो 4 टाइम्स, ठीक होंगे, वो नंबर आप वाले जेम स्टोन पहने होंगे, तभी आपको ना जेम स्टोन फ़ायदा करेगा और फिर आपको नुकसान करेगा, और इवन आपने जब पहना भी होगा तो ज़्यादा नुकसान कर दिया होगा तो उतार दिया होगा, तो इस तरीके की कंडीशन आपके साथ क्रिएट हुई होंगी। तो अब आपको चार्ट कौन सा पहना है जेम स्टोन, तो आपको जेम स्टोन पहनने से पहले सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपके लोशो चार्ट में कौन से नंबर प्रेजेंट है। 39512 नंबर यहाँ पे प्रेजेंट है, बाकी के नंबर मिसिंग है, तो आपको 4786 ये नंबर के तो जेम स्टोन पहनने ही नहीं है। अब आपको ये देखना है कि ये जो आपको पर्टिकुलर समस्या किस चीज़ के लिए। देखिए, अब आज के बाद तो बच्चे हैं जो होते हैं 9 से 1 साल से लेकर 12 तक, तो उनकी हेल्थ का यदा कदा कभी उनमें ख़राब होती है, फिर एजुकेशन पे आता है। अगर किसी की एजुकेशन ख़राब हो रही है, ठीक है, तो आप एजुकेशन के लिए आप सीधे
जुपिटर का रत्न पहन लिए, ठीक है। और यहाँ पे देख लीजिए जो जुपिटर का रत्न पहन लिए और उसको ये देख लीजिए कि आपके मूलांक, भाग्यांक और आपके कुआ नंबर से फ्रेंड है कि नहीं, तो सबसे पहले ये चेक करना होगा। अब इसमें कंडीशन ये आएगी कि मूलांक और भाग्यांक और कुआ नंबर में तीनों प्लैनेट्स में से दो का अगर फ्रेंड है, एक का फ्रेंड नहीं है तो चल जाएगा। अगर दो अनफ्रेंड है, एक है, तो उसको थोड़ा सा कम पावर का पहने, बट उसको पहने जरूर। और वो नंबर प्रेजेंट होना चाहिए, सिंगल और डबल डिजिट में होना चाहिए। उसका अगर ट्रिपल में होगा तो फिर आपको नहीं पहनना। अगर तीन नंबर किसी भी एंगल से आपको नहीं सूट करता है, यानी कि कोई भी ड्राइवर, कंडक्टर या फिर कुआ नंबर नहीं है उसके फ्रेंड, तो आपको फिर सूर का नंबर पहनना चाहिए, यानी कि सूर का रत्न आपको रूबी पहनना चाहिए, कम रत्ती का एजुकेशन के हिसाब से, ठीक। अब वो पर्टिकुलर, फिर उसके बाद आपको ये देखना है कि अगर आपका एजुकेशन की समस्या दूर हो गई, अब आपको किसका पहनना है। जॉब में बहुत सारे लोग पूछते हैं कि जॉब सूट करेगी या नहीं करेगी करियर के लिए। देखो, जॉब के लिए मोस्टली देखा करो कि मरकरी का बुध का रत्न पहनिए, लेकिन वहाँ पे भी आप ये चेक करिए कि बुध रत्न आपका ड्राइविंग, कंडक्टर, कुआ नंबर का फ्रेंड बन रहा है कि नहीं। तीनों का अगर फ्रेंड बनेगा तो बहुत, अगर आप पहनेंगे तो आपको लग्जीरियस तुरंत ही फ़ायदा करेगा। अगर तीनों में से दो का बन रहा है, एक का नहीं, तो थोड़ा देर असर करेगा। और तीन में से दो अनफ्रेंड है, एक ही इसका फ्रेंड बन रहा है, तो बहुत कम उसका होगा। तो अगर आपका फ्रेंड नहीं बनता है तो पाँच नंबर के अलावा आप फिर शनि का रत्न पहनिए, आठ नंबर, बट वो नंबर प्रेजेंट होने चाहिए। जिन नंबरों के आपको ज़रूरत है उन नंबरों के ग्रह आपके लोशो चार्ट में प्रेजेंट होने चाहिए। अगर आप नहीं हैं तो उन ग्रहों का बिल्कुल भी मत पहनिएगा रत्न, उल्टा आप उसका रेमेडी करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, जिसके आधार पर ये। तो इस तरीके से आप अपना जेमस्टोन, करेक्ट जेमस्टोन चूज़ कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों एल्बो चैनल को देखने के लिए। समस्या हो तो मेल कर दिएगा नितिन 549@gmail.com पर, डिस्क्रिप्शन में मेल है। धन्यवाद दोस्तों एल्बो चैनल को देखने के लिए।